everybody, कैसे हैं सब लोग? आज हम बात करेंगे 10 unknown facts about अरिजीत सिंह। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये facts नहीं पता होंगे। इनके कुछ professional life है, कुछ personal life है, ज्यादातर personal life है because this is unknown facts, so we have to take that। professional तो कई लोगों को पता ही है। फटाफट बता देता हूँ, before going on to the tutorial, हमने 3 महीने का FL Studio program launch किया है। बहुत सारे सिंगर्स को प्रॉब्लम आती है गाने बनाने में, कवर सॉन्ग्स में बार बार पैसा आप नहीं डालना चाहते हो। एक बार में आप सीखिए और उसके बाद खुद ही बना लीजिए। हमने इसको 6 महीने से एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे सीख रहे हैं। आप चाहे तो डेमो ले सकते हैं, नीचे s.parth@ymail.com पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, म्यूजिकल पार्ट पे। You will be able to learn unplugged songs, you will be able to learn how to make cover songs, you will be able to mix and master your song। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह द लेजेंड के बारे में। तो सबसे पहला हिडन फैक्ट है अरिजीत सिंह का कि अरिजीत सिंह के जो फादर थे वो पंजाबी थे और जो उनकी मां थी वो बंगाली थी। इट्स अ लव मैरिज एंड फादर का कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, मदर का म्यूजिकल बैकग्राउंड था। मदर तबला बजाती हैं और इसी वजह से अरिजीत सिंह is really inspired to do music। Arjit Singh has earned 52 awards and 139 nominations till now। Tum Hi Ho ke liye unko 10 nomination hue the, usme se 9 award unko mile the। Second point, Arjit Singh assistant music producer the Pritam aur Vishal Shekhar ke, kya aapko pata hai ye baat? और इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया था म्यूजिक प्रोडक्शन कि मुझे सिंगिंग में आना ही नहीं था, मुझे वही करना था। सो बिफोर फिर मोहब्बत एंड ऑल दिस ही वाज द असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर। थर्ड, जो कि एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, अरिजीत सिंह की दो बार शादी हुई है अरिजीत सिंह की। पहली शादी हुई थी रूपरेखा बनर्जी से जो फेम गुरुकुल की कंटेस्टेंट थी। 2013 में शादी हुई और उसके बाद 2013 में ही डिवोर्स हुआ था। और दूसरी मैरिज हुई है कोयल रॉय से इन 2014। वेल, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, जब आप फेम गुरुकुल अगर आप देखें फेम गुरुकुल में, तो ही इज ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट किससे प्यार करूं किससे ना प्यार करूं। और वहां से एक और भी चीज मिलती है कि ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड एंड प्यार एंड स्टफ। सो ही वॉज रियली इन टू पैशनेट लव। सो पैशनेट लवर क्या होते हैं? पैशनेट लवर वो होते हैं जिनके लिए काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी वाइफ है, उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके बच्चे हैं। ये पैशनेट लवर की पहली निशानी होती है। सो ही वॉज अ पैशनेट लवर। ओके, सो ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि मैं इससे शादी कर लूंगा। मुझे पता है, मुझे बचपन में वो कोयल ही पसंद थी, मैं सोच रहा हूँ उससे मुझे वही कर लूँ। सो ही वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट कि क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम जब फेम गुरुकुल आया था तो वो ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज कन्फ्यूज। सो रूपरेखा बनर्जी से शादी हुई, उसी तलाक हो गया उसी साल, और उसके बाद दोबारा शादी हुई थी कोयल रॉय से। जब शादी हुई कोयल रॉय से, एट दैट टाइम उनका एक बेबी था, बेबी गर्ल थी, आई थिंक 3-4 ईयर अराउंड। तो अभी अरिजीत सिंह के इस समय फिलहाल दो अरिजीत सिंह के बेबीज हैं और एक डॉटर है जो कोयल की फर्स्ट मैरिज से है। सो दिस वॉज द एंटायर सिनेरियो। नाउ वी नो कि इतना दर्द कहां से आता है। फोर्थ पॉइंट, अरिजीत सिंह हेट्स इंटरव्यू। अरिजीत सिंह हेट्स टू बी अ सोशल मीडिया एनिमल, दैट इज वाई वी डोंट सी हिम कमिंग ऑन हिज इंस्टाग्राम फेसबुक लाइव। Why he hates interview, उसका बहुत बड़ा रीजन है जो कि पांचवें पॉइंट पे आ रहा है। पांचवा पॉइंट यह है, अरिजीत सिंह वॉज अरेस्टेड इन 2013 एंड गॉट बेल आफ्टर दैट। Why he was arrested? बिकॉज जो रूपरेखा, जो उनकी पहली शादी थी रूपरेखा बनर्जी के साथ, वो डिवोर्स में गई, तो वहां के लिए हियरिंग के लिए बुलाया था। तो कोई रिपोर्टर है, वो क्वेश्चन कुछ पूछ रही थी उनसे, तो कुछ मूड वूड खराब होता है, डिवोर्स होता है आदमी का। तो कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन पूछ लिया, तो अरिजीत सिंह हैज पुश्ड और बोला ऐसा कि हेलमेट मारने की कोशिश करी, ऐसा मीडिया में है।
तो उसके चक्कर में उसने रिपोर्ट कर दिया उस रिपोर्टर ने, शी वॉज अ फीमेल रिपोर्टर, एंड उसके बाद क्या हुआ कि अरेस्ट हो गया, जिसके आई थिंक तुरंत बेल भी हो गया था उसके बाद. सो दैट इज वाई ही हेट्स बींग इंटरव्यू, इसीलिए उनके बहुत कम इंटरव्यू है. कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बोला था कि प्लीज ऐसा मत बोलिए, वो बाहर जाके लिख देंगे, आपने देखा होगा. ठीक है, तो ये था पांचवा पॉइंट. कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, जग घूमया ओरिजिनली अरिजीत सिंह ने गाया था, बाद में राहत फतेह अली खान से गवा दिया गया. ऐसा क्यों हुआ? आपने एक शो देखा था जिसमें सलमान खान ने अरिजीत सिंह को बुलाया था, वो चप्पल और कैपरीज पहन के चले गए थे, तो सलमान खान ने बोला कि सो रहे थे क्या, तो उन्होंने बोला आप लोगों ने सुला दिया. तो वहां से सलमान खान गॉट एंग्री, उसके बाद बहुत सारे गानों फिल्मों में, किक में और बजरंगी भाईजान में, उसमें भी काम नहीं, उसमें भी गाना था, उसमें भी हटा दिया, किक में भी गाना हटा दिया उनका, सुल्तान में भी गाना हटा दिया. इवन उन्होंने, अरिजीत सिंह ने ट्वीट किया था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे शायद गलती हो गई, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी बात, यू नो, मानने की बात है कि गाना ही नहीं आप हटा दे रहे हो. तो वो उन्होंने, जैसे कि सलमान खान को आप जानते हो कि वो माफ तो करते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि जग घूमया गाना गवाया गया, बकायदा बुला के अरिजीत सिंह को, और बहुत अच्छे से गाया था उन्होंने, उसके बाद कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो सलमान खान ने गाना हटवा दिया था अरिजीत सिंह का. आज तक का रिकॉर्ड है सलमान खान प्रोडक्शन के लिए अरिजीत सिंह नहीं गाते हैं. सेवेंथ पॉइंट, अरिजीत सिंह हैज संग अराउंड 250 सॉन्ग्स अप टिल नाउ. And we wish him to sing more. Eighth point. अरिजीत सिंह हैज स्टार्टेड अ म्यूजिक लेबल. अब म्यूजिक लेबल कब लॉन्च किया उन्होंने? एक दो महीने पहले लॉन्च किया था. उसका एग्जैक्टली क्या नाम है मैं नीचे लिख दूंगा, उसकी लिंक भी शायद दे दूंगा, वहां पे आप जाइए सब्सक्राइब करिए. लेकिन अभी तक उसमें कोई ओरिजिनल आया नहीं है उनका. उनका ऐसा कहना है कि हम और टैलेंट्स को लेके आएंगे, मेरा खुद के भी गाने आएंगे. और जहां एक ओरिजिनल अरिजीत सिंह का आया उसमें जो उनके सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे. नाइन्थ पॉइंट, अरिजीत सिंह वॉज ट्रेन्ड फ्रॉम द एज ऑफ 3 years राजेंद्र प्रसाद हजारी जी. तो राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद से वो, उन्होंने ही पुश किया था उनके गुरुजी ने कि आप फेम गुरुकुल में जाइए. 18 साल की उम्र में उन्होंने फेम गुरुकुल पार्टिसिपेट किया. 10th पॉइंट, अरिजीत सिंह अपने गाने कभी नहीं सुनते हैं. जब वो गाते हैं उसके बाद वो दोबारा अपने गाने कभी नहीं सुनते हैं. उनका ऐसा कहना है कि ही फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक, जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनको किसी ने एक साथ घेर लिया है, एंड ही डजंट फील कंफर्टेबल. अरिजीत सिंह की वाइफ भी उनके गाने नहीं सुनती हैं. आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग दिस एज अ सिंगर, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड आफ्टर सम डेज इट बिकम्स इरिटेटिंग फॉर ऑल द गर्ल्स, बिकॉज यू नो वी सिंग अ लॉट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू we have to control ourselves, because every time pe 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 pe, and you know what, actually singer ki aadat kya hoti hai ki ek hi line ko baar baar gaana, mujhe I'm sure aap logo ki baat hai. To so this is very boring, even if your wife is a singer also or girlfriend is a singer, then also it is like irritating at some point. Initially acha lagta hai, but after some point I can understand this. So Arjit Singh ki wife unke gaane nahi sunti hai. सुनती है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सुनती ही नहीं है, मतलब नफरत है, मतलब यू नो नॉट प्लेइंग एंड लिसनिंग द सॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज अरिजीत सिंह. तो उनको ही बोल दिया चलो भाई सुनाओ गाना. तो हमारे पास भी ऐसा अगर फैसिलिटी होती तो बहुत अच्छा था. तो ये थे यहाँ पे 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट अरिजीत सिंह. कैसा लगा आपको ये मुझे जरूर बताइएगा. अरेस्ट वाली बात नहीं पता थी ना. एनीवेज, पर्सनल ज्यादा अच्छा लगा या प्रोफेशनल ज्यादा अच्छा लगा मुझे बताइएगा. Thank you. Take care.